स्ट्रेटजी के हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, परंतु हम में से अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो ढीले पड़ गए और पेस उनका स्लो ही नहीं हो गया, अभी तो उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी। परंतु कन्फ्यूशियस ने क्या कहा है, कन्फ्यूशियस ने कहा है इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। यह मैटर नहीं करता है कि आप कितना स्लो चल रहे हैं, जब तक आप स्टॉप नहीं होते हैं, जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हैं, उसको करने के लिए जो है मोटिवेटेड है, लालायित है। तो जो लोग स्लो हो गए हैं वो कंटिन्यू अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहे, परंतु अपने आप को विराम ना दे। डे 30 पर हम पहुंचे, मात्र 15 ही दिन और है जब हमारा कंप्लीट जो है सिलेबस होगा, और एग्जाम अगर आगे भी किसका है खिसकता है तो हमारे पास और समय बचेगा। आज के जो हमारा लक्ष्य है उसमें हमें जैव विविधता वाला चैप्टर पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ना है। यह चैप्टर ज्योग्राफी से ओवरलैप करता है, तो जो चैप्टर इसमें ज्योग्राफी से ओवरलैप करते हैं वो हमने पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ना है और यह रिविजन भी करवाएगा। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है जीवोम और जीव मंडल, बायोम से संबंधित है। इसमें परिभाषा, अवधारणा, फिर जो वेजिटेशन बायोम है वह पढ़ना है। इस वेजिटेशन बायोम में जो बायोम्स हैं, सदाबहार वन, मेडिटेरियन, भूमध्य सागरीय जो है, तुंद्रा, टेगा, लोरेंशियन, चाइना टाइप, ये सारे के सारे पढ़ना है। इसके लिए बेसिक सोर्स इंग्लिश मीडियम के लिए जीसी लियोंग हो सकती है, या हिंदी मीडियम के लिए जो कोइपन का क्लासिफिकेशन दे रखा है वह जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है वह हो सकता है। इसमें आपको देखना है टेम्परेचर रेंज जो है, रेनफॉल रेंज, टाइप ऑफ वेजिटेशन, कौन सी वेजिटेशन है वहां पर जो है, फोना कैसा है, फ्लोरा कैसा है वह देखना, और एक टेबल आप बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास और अन्य स्रोत है जहां टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है उससे भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है और यह पार्ट ज्योग्राफी में ओवरलैप है। इसमें बेसिक अंडरलाइंग फैक्टर पर भी क्वेश्चन पूछता है, जो यूपीएससी ने 2011 में क्वेश्चन पूछा था, जीव विविधता निम्नलिखित माध्यम और माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ लेता है। इसके बाद टारगेट में है इंडियन वेजिटेशन, भारतीय जो वेजिटेशन है उस पर 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें हमने पढ़ा होगा। इसके साथ साथ हमें विभिन्न नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर बायोस्फीयर रिजर्व, यह देखने हैं। इसमें जो आपको सहारा लेना है वो एटलस का लेना है, और इसमें आपको एक बेसिक आइडिया लेना है कि कहां कहां पर है, और वहां पर जो है वेजिटेशन का आपको आइडिया बिल्कुल लग जाएगा जब आपको वेजिटेशन का पूरा क्लियर कट मैप है। इसके अलावा जो करंट में ये नेशनल पार्क वगैरह न्यूज में रहे हैं उनको आपको देखना है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता ही पूछता है, और पिछले साल भी द कोर आइज का नोट से ये क्वेश्चन थे, जैसे पाखुई उनके नोट्स में था, हमारे नोट्स में था, जो उन्होंने अगस्तमलाई पर पूछा था, नोएल पूछा था, वह भी हमारे नोट्स में था। तो यहां पर भी जो है क्वेश्चन पूछता है। फिर थर्ड जो टॉपिक है वो थोड़ा मिसलेनियस टॉपिक है, इसमें आपको प्रिपेयर करना है हॉटस्पॉट, हॉपस्पॉट, समुद्री संवेदनशील क्षेत्र, मराइन इको सेंसिटिव जोन जो है सीआरजेडीसी में, फिर कोरल रीफ, मैंग्रोव, वेटलैंड्स, और इनसे संबंधित संस्थाएं यहां भी देख सकते हो, या बाद में कहीं बाद में जो हमारा इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर आएगा वहां भी देख सकते हो। इसके अलावा ये जो कोरल रीफ वगैरह है वह ज्योग्राफी वाले पार्ट से किया जा सकता है। यहां पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और यह क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है हॉटस्पॉट को लेकर। विश्व के जो 35 हॉटस्पॉट हैं, 34-35, उनको याद नहीं रखना है, परंतु भारत किन हॉटस्पॉट में लाई करता है वह देखना है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। फिर भारत का वेटलैंड्स जो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 10 नए वेटलैंड्स और एड हुए हैं, तो हमारे पास 26+1+10 इतने वेटलैंड्स हो गए, उन 10 के नाम याद नहीं रखने यूपीएससी नहीं पूछेगा, बट वेटलैंड के बेसिक कंसेप्ट पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अभी हाल ही में पीटलैंड्स भी न्यूज में है, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। लास्ट टॉपिक वह है रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यह टॉपिक थोड़ा विस्तार वाला है, जिसमें पोल्यूशन वाला चैप्टर भी ओवरलैप करता है, परंतु पोल्यूशन वाला चैप्टर हम
जो है कहीं और करेंगे। इसमें आपको हिप्पो फैक्टर्स पढ़ने हैं, प्लस अल्गल ब्लूम वगैरह वाला चैप्टर भी जो है वो भी पढ़ा जा सकता है। और इसके लिए आप 11th क्लास की केमिस्ट्री का पोल्यूशन वाला चैप्टर है उसका सहारा ले सकते हो, या 12th क्लास की बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसका जो चार चैप्टर आपको पढ़ने को बोला गया है 13, 14, 15, 16, उसके 16वें चैप्टर में भी यह है डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसमें यूपीएससी क्वेश्चन जो है पूछता है, जैसे उसने 6th मास एक्सटिंक्शन पूछा था जो द कोर आइस के नोट्स में भी था, और 12th क्लास की बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर जो 15 है वहां पर हूबहू यह स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो यह है आपके स्रोत हैं, यह स्रोत नहीं है तो आप अपने नोट्स फॉलो कीजिए जहां पर इन टॉपिक्स को दिया हुआ है, और इस टॉपिक से यूपीएससी 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो स्लो हो चुके हैं वो स्टॉप ना हो और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें।